लर्न टू ट्रेड के सेशन नंबर 23 में दोस्तों आपका स्वागत है मैं हूं विवेक बजाज और मैं यहां पे सिखा रहा हूं ट्रेडिंग कैसे करते हैं फ्री में ए टू जेड तक और मेरे से सीख रही हैं अनुपूर्णा जी हेलो हेलो सर कैसे हैं एकदम बढ़िया सर चलिए बहुत अच्छा लगा आपको मास्क पे देख के आज फिर तो आज वापस से कंटिन्यू करते हैं तेईसवा नंबर सेशन है आई थिंक लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था विवैप के बारे में और और उससे आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके पहले हमने डिस्कस किया था डिंजर मैन और उसके पहले हमने डिस्कस किया था सर यार, यार। है पे काफी और टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में हम लोग को नहीं जानना बस लास्ट आज का इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिकेटर के बारे में मैंने एक फीलर आपको दिया था मैंने आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में याद है? रिलेटिव जो स्टॉक है उसका प्राइस और निफ्टी का प्राइस के बीच में राइट right. right. एक एग्जांपल लेते हैं चलिए एक दौर लगी गाड़ियों की hmm. ठीक है hmm. तो कौन सी गाड़ी जीतेगी ये आपको कैसे पता लगेगा स्पीडोमीटर स्पीडोमीटर तो ये एग्जाम्पल डिस्कस किया था यस yes. अच्छा, अच्छा. <laughs> तो वो दोनों गाड़ी के बीच में जो रेस चालू है उसके अंदर में कौन जीतेगा वो डिसाइड होगा कि कौन सी गाड़ी कितनी तेज चल रही है hmm. इसका मतलब उसका खुद का फास्ट कितना है और दूसरा है कि वीजा भी दूसरी गाड़ी वो गाड़ी कितनी स्ट्रांग चल रही है hmm. ठीक है right. जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में एक दौड़ है ये दौड़ बेसिकली हर कोई चाहता है कि वो मार्केट का जो सुप्रीम इंस्ट्रूमेंट है विच इज निफ्टी है सेंसेक्स उसको बीट करे

हो सकता है थ्रू एन इंडिकेटर कॉल आर एस आई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हो गया उस इंस्ट्रूमेंट का खुद का स्पीड जो स्टॉक मार्केट में लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं मोमेंटम ओके वो स्टॉक okay. कि खुद कितने मोमेंटम में है तेजी का मोमेंटम में है कि मंदी का मोमेंटम में है ओके okay. वो मेजर करता आर एस आई तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर एस आई के बारे में और आर एस आई को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग मॉडल में आपको याद है हमने जो टेम्पलेट बनाया था आपके लिए कंटिन्यूसली उसमें नई नई चीजें ऐड करते जा रहे हैं तो आज हम आर एस आई को भी आपके लिए ऐड करेंगे और फाइनली मुझे लगता है अब आपका टेम्पलेट रेडी हो जाएगा ओके ठीक है तो आर एस आई क्या है आर एस आई को फॉर्म किया था मिस्टर जेम्स वेल्थ विल्डर ने आ, ये वही है जिन्होंने

तो चलिए इधर में एक स्क्रीन की तरफ नजर लगाते हैं पहले निकालते हैं आर एस आई कैलकुलेट कैसे होता है तो जैसा कि आपको मैंने बताया ये एक्सेल में खोल दिया जैसा कि आपको मैंने बताया कि हर स्टॉक का एक खुद का रफ्तार होता है रफ्तार मतलब कितना तेजी में कितना मंदी में है ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि स्टॉक हर वक्त तेजी में रहेगा कभी तेजी में जाता है कभी मंदी में जाता है राइट तो मिस्टर विल्डर ने बोला कि आप पिछले चौदह दिन से ये शेयर क्या कर रहा है उसको एक बेस मान लो Okay. और वो एक फेयरली रिजनेबल बेस है जिसको कंसिडर करके आप जज कर सकते हो कि ये तेजी की रफ्तार में कि मंदी की रफ्तार में ओके okay. ओके okay. अगर आप स्पीडोमीटर देखेंगे hmm. तो वो क्या बताता है किसी भी गाड़ी का कि एज ऑन मोमेंट क्या स्पीड है राइट right.

तो एक काम करते हैं डेटा कहाँ से मिलेगा आ, अपने एनएससी <coughs> की साइट चलते हैं ठीक है एनएससी की साइट है इसके अंदर में कोई भी एक स्टॉक पकड़ लेते हैं कौन सा स्टॉक पकड़ना चाहेंगे आप सर रिलायंस रिलायंस पकड़ लीजिए तो सर्च कर लीजिए रिलायंस को यहाँ पे तो रिलायंस आ जाएगा रिलायंस का कैश मार्केट का मुझे हिस्टोरिकल डेटा चाहिए लास्ट पंद्रह दिन का तो मुझे हिस्टोरिकल डेटा चाहिए पिछले एक महीने का दे रहा है तो एक महीने का ले, ले लेते हैं अपने okay. क्या जा रहा है Okay. तो डाउनलोड कर लेते हैं इसको ये डाउनलोड हो गया अब इस फाइल को अपने ओपन करते हैं बड़ी रफ्तार से हो गया देखिए हाँ right. पूरा डेटा इसको में इसमें से हमको सिर्फ क्लोजिंग प्राइस चाहिए ओके okay. ठीक है पहली बात आप देखिए ये तेईस मार्च यहाँ है बाईस अप्रैल यहां है hmm. तो इसको मेरे को उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि हम ऊपर से चालू करेंगे तो पुराना ऊपर और नया नीचे okay. है। इसको वो कर लेते हैं तो डेटा सॉट ये पहला जो इसका डेट है ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट है तो इसको हम लोग अभी शॉर्ट कर लेते ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट कर लेते ठीक है ओके। तो ये डेट हम कॉपी करना चाहते हैं और क्लोजिंग प्राइस ये ये दोनों को हम कॉपी कर लेते ठीक है ये रिलायंस का प्राइस है पिछले हुँ. तीस दिन का हुँ. कैश मार्केट का यू ओके आर यू ओके विथ आगे बढ़े यस yes. अब मुझे पिछले चौदह दिन का इसका गेन निकालना है और लॉस निकालना है ओके okay, ओके ठीक है okay. तो चौदह दिन का अगर मुझे निकालना है आज की डेट में सपोज मैं ही निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो चौदह दिन पहले का मुझे डेटा निकालना होगा तो गेन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है बड़ा सिंपल फॉर्मूला है दिस माइनस दिस ये गेन है राइट विच इज ए लॉस एक्चुअली में राइट right. तो चेंज इन प्राइस जो हो रहा है hmm. ये मैं आपको सिंपलेस्ट वर्जन बता रहा हूं आर एस आई का एक्चुअली आर एस आई में आप तीन तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं एक सिंपल भी है एक एक्सपोनल है और एक उन्होंने खुद स्मूदनिंग करने के लिए एक और मेथड बताया था okay. वो मैं आपको आपको समझा नहीं रहा क्योंकि ही मैंने कहा था कि आप कॉन्सेप्ट समझिए ये सारा कैलकुलेशन ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के अंदर में है तो हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो उतना डीप कैलकुलेशन नहीं समझना है कॉन्सेप्ट समझिए तो मैं सिंपल ही रख रहा हूं ताकि आप हम कौनसेप्ट समझ पाए ओके okay. तो ये हो गए डेली बेसिस पे एब्सोल्यूट टर्म्स में कितने गेन है और कितने लॉस है hmm. अब मैं इसको सेग्रीगेट कर देता हूं गेन को अलग कर देता हूं लॉस को अलग कर देता हूं जब जब लॉस है यहां डाल देता हूं जब जब गेन है यहां डाल देता हूं फेयर इनफ राइट ये मैं थोड़ा पातिवे में कर रहा हूं बट uh, आप फॉर्मुला भी डाल सकते हैं इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है समझाने के लिए कर रहा हूं ठीक है ओके तो जब जब गेन हुआ मैंने यहां पर डाल दिया जब जब लॉस हुआ मैंने यहां पर डाल दिया ठीक hmm. है okay. अब मुझे पिछले चौदह पीरियड का एवरेज गेन और एवरेज लॉस निकालना है ओके okay. ठीक है तो ये ये मैं एवरेज निकालता हूँ। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह ये एवरेज गेन है और ये एवरेज लॉस है ओके गॉड इट ठीक है तो मतलब अगर वो लॉस होगा तो गेन्स में नहीं आएगा दोनों का अलग अलग okay. दोनों का अलग अलग कैलकुलेट ठीक है इससे क्या पता लगता है इससे एक एक इंटेंसिटी का लगता है कि एवरेज में ये कितना गेन करता है ऑन एन एवरेज देखिए ये सिंपल एवरेज है यू कैन यूज एक्सपोरशियल एवरेज ऑल्सो यू कैन यूज अदर फॉर्म ऑफ एवरेज विथ दी फाउंडर हिमसेल्फ एज यूजर एज यूज पर हम उसको नहीं यूज कर रहे हम सिंपल रख रहे हैं ठीक है।, है तो कितना एवरेज सिंपल एवरेज में कितना गेन हुआ है एवरेज में हुँ. और कितना लॉस uh, हुआ है एवरेज में वो यहां पर आपके सामने ओके okay. लेकिन आप देखिए इसके अंदर में लॉस जो है वो माइनस में दिख रहा है और गेन दिख रहा है प्लस में राइट right. ठीक है right. एक काम अपने को करना होगा ये जितने भी लॉस है ना इनको भी प्लस फॉर्म में ले आते हैं ओके माइनस फॉर्म में नहीं रखते तो ये जो इक्वल टू मैंने ये किया है तो इसको हमको माइनस ये कर देना है ताकि ये प्लस में ही रहे डेटा ओके ठीक है अब आप पूछेंगे क्यों सर क्योंकि फॉर्मूला के अंदर में हमको जब इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो हम गेन और लॉस दोनों को अलग अलग कर रहे हैं लेकिन प्लस में ही कंसिडर कर रहे हैं निकाल रहा हूं तो ये आ रहा है तो इसका मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स में ये तेरह गेन करता है और पच्चीस पॉइंट लूज करता है ओके okay. अब इसका मेरे को निकालना है आर एस रिलेटिव स्ट्रेंथ राइट रिलेटिव स्ट्रेंथ ये वो वाला रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है जो मैं निफ्टी के साथ कंपेयर ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इस स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ कितना है मतलब कितना ये ऊपर जाता है लास्ट चौदह दिन में कितना ये नीचे जाता है लास्ट चौदह दिन में हुँ. उसके हिसाब से उसका एक स्ट्रेंथ बन रहा है ठीक है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इज बेसिकली एवरेज गेन डिवाइडेड बाई एवरेज लॉस तो ये है उसका है रिलेटिव स्ट्रेंथ ओके ठीक है इस रिलेटिव स्ट्रेंथ से हम निकालेंगे आरएसआई hmm, hmm, hmm. तो उसका फॉर्मूला है ओके okay. ठीक उसका फॉर्मूला ये है हंड्रेड माइनस हंड्रेड डिवाइडेड बाय वन प्लस दिस थर्टी फोर ओके सिंपल आर एस आई है बट mm जनरली -hmm. लोग ये सिंपल आर एस आई नहीं यूज करते स्मूथिंग वाला आर एस आई यूज करते बट समझाने के लिए मैंने आपको फॉर्मुला दिखाया कि अल्टीमेटली ये जो इंडेक्स है आर एस आई इंडेक्स इसका वैल्यू आज के रेट में है थर्टी फोर ओके गॉट इट ये एक इंडेक्स है वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम लास्ट फोर्टीन डेज ऑफ गेन एंड लास्ट फोर्टीन डेज ऑफ लॉस ये जो इंडेक्स है इसका वैल्यू होगा जीरो से लेके हंड्रेड के बीच में अगर वो हर दिन प्रॉफिट कर रहा है और बड़ा बड़ा प्रॉफिट कर रहा है तो जितना प्रॉफिट करेगा उतना हंड्रेड की तरफ जाएगा हर दिन लॉस कर रहा है जितना बड़ा बड़ा लॉस करेगा उतना यह जीरो की तरफ जाएगा तो ये इंडेक्स है इसीलिए उसका वैल्यू जो है एक रेंज में रहता okay, है ओके okay. सो so एक बार कॉन्सेप्टी डिवाइस कर लेते हैं आर क्या करता है कोई भी स्टॉक का कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कुछ भी चीज का लास्ट चौदह दिन का गेन और लॉस का एवरेज निकाल के ये जज करने की कोशिश करता है कि वो इंस्ट्रूमेंट अभी स्ट्रेंथ में है कि वीकनेस में है जितना हंड्रेड के पास में होगा वो इंडेक्स मतलब स्ट्रेंथ में है जितना जीरो के पास होगा मतलब ये वीकनेस है मतलब वीकनेस में ओके ठीक है एक चार्ट में चलते हैं अब कैलकुलेशन वाला हो गया अब आगे बढ़ते हैं अपने तो ये है आपका चार्ट का टेम्पलेट ओके okay. ये याद है आपको टेम्पलेट सर yes, इस टेम्पलेट में हमने क्या क्या डाल रखा है कैंडल स्टिक जो हमने पढ़ाई की थी कैंडल स्टिक की right. सुपर ट्रेन डाला हुआ है mm -hmm. आ, वॉल्यूम डाला हुआ है mm -hmm. आर एस डाला हुआ है और ए टी आर डाला हुआ है ओके okay. सब तो पता ही आपको रिविजन नहीं चाहिए <laughs> नहीं चलिए बहुत अब <laughs> यहाँ पर हम इंसर्ट करते हैं आर एस आई ओके यहाँ मूविंग एवरेज डाला हुआ है लेकिन मैंने हाइड कर रखा है तो आप देखिए मैं अगर इसको मूविंग एवरेज को भी निकाल लेता हूँ तो मूविंग एवरेज में यहां पर दिख जाएगा आपको okay. एक बार उसको हाइडियर नहीं देते मूविंग एवरेज को तो लेट्स इंसर्ट आरएसआई सो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये देखिए यहां पर आर एस आई नीचे आ गया ओके ओके आर एस आई में अगर आप सेटिंग में जाओगे तो चौदह पीरियड का आर एस आई है क्लोजिंग के बेसिस पे निकालते हैं और उसका एक रेंज जो फाउंडर है उन्होंने बोला था कि कोई भी स्टॉक अगर सत्तर के ऊपर आर चला जाता है इसका मतलब उसमें अनरिजनेबल बाइंग हो रही है ओवर हो गया शायद वो करेक्ट हो जाएगा ओके। कोई भी स्टॉक 30 से नीचे चला गया मतलब उसमें अनरिजनेबल सेलिंग हो रही है शायद वो रिवर्स हो जाएगा ओके ओके राइट शायद जरूरी नहीं कि वो होगा ठीक है इस इसमें और फर्दर स्टडी हुई है बहुत लोगों ने बहुत काम किया इसके अंदर में बट मैं आपके लिए और सिंप्लीफाई कर दूंगा मेरे हिसाब से आप इसको कर दीजिए पचास इसको भी कर दीजिए पचास इसका मतलब ये आप मान लीजिए कि अगर पचास के ऊपर आर है तो स्टॉक तेजी में पचास के नीचे आर है तो स्टॉक मंदी में मंदी मतलब करेक्शन करेक्शन ओके सिंपल है, okay, got it, got it. है? पचास के नीचे आर कब रहेगा जब लास्ट चौदह दिन में राइट करेक्ट राइट सो ये मैंने आपके लिए सिंपल कर दिया है। okay. इसमें दो कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान रखना है कि जब जब स्टॉक बढ़ रहा है और आर एस आई पचास के ऊपर है इसका मतलब उस स्टॉक में लास्ट चौदह दिन से स्ट्रेंथ है जब जब स्टॉक घट रहा है और आर एस आई पचास के नीचे है इसका मतलब उसमें लास्ट चौदह से से। अब आप पूछ सकते हैं सर चौदह क्यों कंसिडर कर रहे हैं सर वो तो उन्होंने बोल दिया है और वो वर्क कर रहा है तो इट्स ओके वी इक्कीस यूज कर लो कई लोग बोलते हैं नौ यूज कर लो बट दैट्स ओके अभी चौदह में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है अब इस स्टॉक के अंदर में आप देखिए ये टाटा एलेक्सी है ये स्टॉक देखिए कंटिन्यूसली तेजी में है ये निफ्टी को भी आउट परफॉर्म किए जा रहा है एटीआर मैंने आपको कहा था कि आप अपना टेम्पलेट से एक बार हटा दीजिए क्योंकि हम सुपर ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं तो एटीआर हमको नहीं चाहिए तो मैंने आपका टेम्पलेट वो हटा दिया है तो टाटा एलेक्सी तेजी में है वॉल्यूम यहां बिल्डअप हुआ था अभी रिसेंटली यहाँ पर फिर बिल्डअप हो रहा है वॉल्यूम थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को और आर एस आई जो है वो पचास के ऊपर चल रहा है तो, जो बीच में जब वो स्ट्रेट, जब वो वो या तब आर एस आई तो नीचे जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ क्योंकि ये स्टॉक एक ही रेंज में खड़ा है राइट और हो सकता है जब जब गिरा है हुँ। तब गिरने का प्रोपेंसिटी ज्यादा था वीजावीज भरने का लास्ट चौदह दिन में हुँ। तो आर एस आई बिकॉज वो एक इंडेक्स है ना तो उसको नीचे का प्रेशर मिला तो वो नीचे चला गया okay. लेकिन आर को देख के हम एग्जिट नहीं करेंगे mm -hmm. हम आर एस आई को देख के एग्जिट नहीं करेंगे एग्जिट एंट्री तो हम प्राइस को देख के ही करेंगे आर एस आई हमको स्ट्रेंथ या वीकनेस बता रहा है राइट okay. तो अगर ये नीचे गिरा है मतलब ये स्टॉक वीक हो रहा है बट आपका जो कोर इंडिकेटर है जो आपको बाइंग सेलिंग में हेल्प कर रहा है विच इज प्राइस अगर प्राइस आपका सपोर्ट के नीचे जा रहा है तब फिर आप करेंगे नहीं तो स्क्वार स्क्रअप नहीं करेंगे ओके या इट हम हम लोग बहुत सारी ट्रेडिंग भी डिस्कस करेंगे बाद में और वीडियोस में तब आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा अभी हम क्या टेम्पलेट बना रहे हैं हम लोग तो पॉइंट से आप सब चीजों को समझिए और उनका रेलेवेंस समझिए ताकि टेम्पलेट को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में तब अपने को काफी फायदा होगा ओके या ओके सो प्राइस नीचे गया है आर एस आर एस आई भी नीचे गया है फ्राउट परफॉर्मेंस भी नीचे गया है तो डेफिनेटली स्टॉक वीक हुआ है बट सुपर ट्रेंड हमारा एक इंडिकेटर है जिसको हम बेस करके बाइंग करते हैं तो उसके नीचे नहीं गया जब तक तो उसके नीचे नहीं गया मैं स्क्वायर अप नहीं कर रहा हूँ दैट इज अ मॉडल विच सपोज आई हैव फॉर सेल्फ कैन आई मॉडल आप बोल सकते हैं कि सर मैं तो आर एस आई अगर पचास के नीचे चला गया तो मैं स्क्वायर अप कर दूंगी कर लीजिएगा ऑल ऑफ आस है यूनिक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स यू कैन गिव मोर इंपॉर्टेंस टू आर एस आई

ये पचास के नीचे चल रहा है इसका आरएसआई राइट right. और जब जब ये बाउंस करने की कोशिश करता है एक बार आर आता है बट फिर वो पचास में आके रुक जाता है नीचे। mm -hmm. तो छटपटा रहा है ये उस मछली की तरह है जो पानी से निकल गई है और छटपटा रही है इसको कुछ करना है mm -hmm. अभी भी डाउन ट्रेंड में है लेकिन आर एस पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी के साथ अगर इसका देखें आप अंडर परफॉर्मेंस वो कहीं ना कहीं अब जाके खत्म हो रहा है डाउन ट्रेंड था अंडर परफॉर्मेंस अब ये कहीं ना कहीं जाके अपट्रेंड ट्रेंड की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है और सुपर ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है तो ये स्टॉक में हम एक कंसोलिडेशन का वेट करेगा और अगर प्रीवियस स्विंग हाई ये तोड़ेगा और सुपर ट्रेंड को भी ये ग्रीन कर देगा तब इसमें घुसना चाहिए तो प्रीवियस स्विंग हाई का है इस प्राइस के ऊपर अगर चला 600 के ऊपर चला तब ये अच्छा मूवमेंट दे सकता है Okay. तो आपने क्या okay. करेंगे यहाँ पर एक राइट करके अलर्ट डालेंगे कि अगर ये 600 के ऊपर जाए तो मेरे पास अलर्ट आ जाना okay. या हम वेब डॉट स्टॉकेज डॉट कॉम या स्टॉकेज ऐप में भी आप डाल सकते हैं आप रजिस्टर्ड यूजर हैं तो ऐसे ऐसे बैंक में जाइए <coughs> यहाँ पर आप टारगेट में डाल के ऐड कर दीजिए कि अगर 600 के ऊपर जाए तो मुझे बाइक करना है बिकॉज ऑफ लर्न टू ट्रेड वीडियो डिस्कशन <laughs> तो आपको अलर्ट आ जाएगा छह के ऊपर जाएगा तो ओके okay, ओके okay. ये जो टेम्पलेट है अनुपूर्णा ये टेम्पलेट हम लोग स्टॉकेज में ही बना सकते हैं कैसे आप अगर एच चार्ट्स में जाएंगे तो यहां पर सारे इंडिकेटर्स डालने का अपॉर्चुनिटी है आप यहां पर भी आरस आई आरस आई ऊपर ऊपर घेरा यहां पर भी आरएसआई है उसको आप ऐड कर सकते हैं ओके okay, सो so, एक क्वेश्चन है सर so, अगर हम लोग ट्रेडिंग व्यू में जाएं वापस या या सर आर एस और आरएसआई दोनों बट एक ही वे में मूव कर रहे हैं एफआईसी दोनों का जो कर्व है इट्स रफली द सेम अपेरेंटली इसके अंदर में दिख रहा है बट कई बार होगा कि दोनों अलग बात करेंगे वो तो कब होगा कि सपोज जब निफ्टी भी बहुत तेज है और स्टॉक भी बहुत तेज है तो आर एस हो सकता है कि फ्लैट रह जाए या नीचे चला जाए बट आर एस आई भाग जाएगा ऊपर बिकॉज okay. वो स्पीड बता रहा है आर एस आई तो दोनों ही अगर तेज होंगे तो दोनों में स्पीड है तो आर एस आई ऊपर भाग रहा है बट आर एस हो सकता है रिलेटिवली वहीं का वहीं खड़ा रहेगा तो अभी स्टॉक में आपको वो दिख रहा है बट जरूरी नहीं कि हर स्टॉक में वो दिखेगा लेट्स लेट्स सी एन Let's go to say bank. इस पे भी आपको दिख रहा है अभी इन दिनों इसमें नहीं है इसमें ऑब्वियसली आर एस आई में आर एस है बट वो उस स्टॉक का प्राइस मूवमेंट पे डिपेंड करता है वेर एज आर एस इज निफ्टी के साथ मूवमेंट पे तो कई बार दोनों सिमिलर व्यू देंगे बट मजा जब आएगा जब दोनों अलग तरीके के व्यू देंगे और फिर आप आ, फिर आप उसको स्ट्रेटेजाइज प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे ओके okay. ये सारी बातें हम लोग क्या है जब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे ना कुछ वीडियोस के बाद से आप चालू कर देंगे तब आप ये सब को और बेटर तरीके से समझ पाएंगे ओके। okay. ये देखी, इसमें देखिए टाटा स्टील में क्या हुआ ये पचास के ऊपर है बट आरएस कितना भागा है इसका मतलब ये निफ्टी को कितना जबरदस्त आउट परफॉर्म कर रहा है

तरीका हो सकता है क्रिएट करने का तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे तो वहां पर आपको आर एस आई का एक एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा देखिए मैंने यहां पर दिखा रखा आप ये एक्सप्लेनेशन को पढ़ेगा इससे आपको और कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर होगा अगर आपको पढ़ना है तो ओके okay. या एक कॉन्सेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस में जिसको समझना बहुत जरूरी है वो है डाइवर्जेंस ओके डाइवर्जेंस का मतलब क्या हुआ कि प्राइस कुछ बोल रहा है इंडिकेटर्स कुछ और बोलने ओके। okay. मतलब डाइवर्जेंस है।, एक, अपने में बोलते है ना कि मारी, मेरे एक ही लैंग्वेज में बात करते हैं तब फिर वो सिंक होता है बट जब दोनों में डाइवर्जेंस आता है तब आपको डाउट करना चाहिए कि अरे कुछ होने वाला है क्या ओके okay. तो ये जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स है लोग इनमें डाइवर्जेंस को ढूंढते हैं डाइवर्जेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर प्राइस नया हाई बना रहा है लेकिन ये इंडिकेटर्स जो है नया हाई नहीं बना रहे ओके। वो नया लो, लो बना, बना रहे इसका मतलब कुछ तो बात है प्राइस में अननेसेसरी का राइज आया हो सकता है कि प्राइस का राइज वर्थ नहीं है एक बार ढूंढते हैं किसी स्टॉक में डाइवर्जेंस ढूंढते हैं ये देखिए यहां से हाई बनाए यहां से हाई बनाए विच इज परफेक्टली फाइन आईसीआईसी बैंक में ये देखिए इस स्टॉक में यहां से यहां पर ये लो बना रहा है यहां से अभी लो बना रहा है यहां से यहां मतलब न्यू लोअर हाई बना रहा है ठीक है और ये जो है ये भी लो बना रहा है तब तक तो ठीक है बट अगर सपोज इसने लो बनाया यहां से यहां तक लो बनाया है और ये वापस से एक ही लेवल पे आ गया है इसका मतलब थोड़ा सा डाइवर्जेंस आ गया ओके okay, ओके okay. और ये अगर ऊपर थोड़ा बंद होता तो इसका मतलब ये ऊपर चला गया है hmm. और ये नीचे है इसका मतलब डाइवर्जेंस है सर इसका क्या मेजर रीजन हो इसका रीजन हो सकता है कि कुछ ऐसे मूवमेंट्स प्राइस में अभी हुए हैं जिसके कारण प्राइस में तो इंपैक्ट नजर आ गया बट इंडिकेटर क्योंकि उसमें एवरेजिंग का इंपैक्ट होता है लास्ट 14 दिन का तो इंडिकेटर उस इमीडिएट मूवमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इंडिकेटर बोल रहा है कि भाई चौदह दिन से जो ऐसे वर्क कर रहा था अचानक से एक दिन का मूवमेंट के कारण मैं चेंज नहीं हो सकता हूं तो वो डाइवर्जेंस दिखाता है ओके गॉड राइट सो कुछ और शौक देखते हैं तभी आप समझ पाएंगे कॉन्सेप्ट को सो जो सीरियस टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं ना उनका एक काम ये रहता है कि वो सिर्फ इंडिकेटर्स में डाइवर्जेंस ढूंढते हैं डाइवर्जेंस किसी भी इंडिकेटर में मिल सकता है आर एस में मिल सकता है आर एस आई में मिल सकता है एम ए सी डी के इंडिकेटर उसमें मिल सकता है तो हमेशा हमको ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि क्या प्राइस और इंडिकेटर एक ही भाषा बोल रहे हैं hmm. क्या दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग बात हो रही है hmm. जहां पर कॉन्फ्लिक्ट आता है वहां टिपिकली इंडिकेटर जीतता है प्राइस okay. जो है वो रिवर्स हो जाता है क्यों क्योंकि प्राइस में ऑपरेटर है जो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है hmm. इंडिकेटर को ऑपरेटर बेवकूफ नहीं बना सकता है बट right, right, right. इस कंसेप्ट को और आपको समझना होगा थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा थोड़ा और मटेरियल इस hmm. पर पढ़ना होगा इनफैक्ट ट्रेडिंग व्यू का जो मटेरियल है यहाँ पर भी इन्होंने डाइवर्जेंस को बहुत अच्छे से समझाया ये देखिए कि आर एस आई स्टॉक ऊपर जा रहा है बट आर एस आई जो है वो नीचे जा रहा था यहाँ पर डाइवर्जेंस था तो देखिए स्टॉक प्राइस में कैसे करेक्शन आया

we 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 have VWAP, we have 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 VWAP, Bollinger Band, we have Moving Average mm -hmm. and we have RS and we have RSI Not that template में सब कुछ लगा के रखेंगे mm -hmm. हमारे core चार पांच parameter होने चाहिए जिनको हम देखेंगे और add-on दो तीन parameter कभी किस स्टॉक में वो दो तीन पैरामीटर वर्क करते हैं कभी किसी स्टॉक में दो तीन पैरामीटर वर्क करते हैं तो हमारे पास में वो बोलते हैं ना कि हमारे पास औजार होने चाहिए mm -hmm. कि कभी भी किसी भी टाइम पे कोई भी औजार की रिक्वायरमेंट हो सकती है बट सबसे इंपॉर्टेंट इन सब में पैरामीटर है प्राइस ओके सर प्राइस को जितना समझेंगे कैंडलस्टिक के थ्रू समझेंगे प्राइस को जितना कॉम्प्रीमेंट कर पाएंगे हम उतना अच्छा ही मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे ओके ठीक है ये जो क्लासेस मैं कर रहा हूँ आपके साथ माई आइडिया इज टू किक स्टार्ट दैट प्रोसेस ऑफ लर्निंग ये एक्सपर्ट क्लासेस नहीं हो रही है कि मैं आपको डीप एक एक चीज में लेके जा रहा हूँ hmm. मैंने आपको सारी बातें बताई हैं अब आपको एक एक टॉपिक पे नेट पे बैठ के खुद भी और सर्च करना होगा और उस नॉलेज को बिल्ड करना होगा एंड फाइनली ये जो टेम्पलेट बन रहा है इस टेम्पलेट से हंड्रेड परसेंट कन्विंस होना पड़ेगा और फिर मुझे भी सिखाना होगा कि आपने ये बताया था इसके साथ हम ये भी देख सकते हैं सर तब फिर हम लोग दोनों का मजा आएगा राइट right. सर ठीक है करिए तो चलिए दोस्तों ये हो गया आर एस आई के बारे में आशा करता हूँ आपको भी समझ में आया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है कॉन्सेप्ट एकदम बड़ा सिंपल सा है और इसमें कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है बस यूज़ करना चालू करिए और कॉम्प्रिहेंड करना चालू करिए और जैसा कि मैंने अन्पूर्णा को बोला कि और भी मटेरियल्स हैं इंटरनेट पर उनको देखिए पढ़िए उससे और आपको समझ में आएगा मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और मेरे काम को शेयर करते रहिए और मेरा चैनल तो डेफिनेटली आप हैं ही और भी लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करेंगे धन्यवाद बाय बाय thank you